सड़क के किनारे झाड़ियों में पलट गया एक ऑटो जो सवारियों को लेकर रेलवे स्टेशन जा रहा था। उधमपुर के संगूर चौक में पेश आया ये हादसा। ड्राइवर 4 सवारियां लेकर जा रहा था। जो सवारियां राजस्थान की थी वह अपने घर जाने के लिए इस ऑटो में बैठी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन की जो सड़क है उसके पास एक झाड़ियों में यह ऑटो पलट जाता है और दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। ये ऑटो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक उल्टा ऑटो आप देख सकते हैं, ये झाड़ियों में पड़ा हुआ है। ये उधमपुर के संगूर चौक के पास है। ये ऑटो जो है ये 4 सवारियों को लेकर रेलवे स्टेशन जा रहा था और ये सड़क के किनारे पलट गया, अपना नियंत्रण खो बैठा और झाड़ियों में जा गिरा और एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। 4 सवारियां जो उसमें बैठी थी वह राजस्थान की थी, अपने घर को जा रही थी और रेलवे स्टेशन के लिए ये ऑटो उन 4 सवारियों को लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक नियंत्रण खो बैठा और झाड़ियों में गिर गया। तस्वीरें आप साफ इस समय दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस ऑटो का नंबर जो है वो है GK14C4674। इस ऑटो का नंबर है। चालक जो है वो घायल है और उसे जिला अस्पताल उधमपुर इलाज के लिए पहुंचाया गया। ऑटो की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पलटा है। जो 4 सवारियां थी उनको भी मामूली चोटें आई हैं, फिलहाल वे लोग ठीक हैं, लेकिन ऑटो का चालक है उसे थोड़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर यहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद ऑटो चालक को जिला अस्पताल उधमपुर पहुँचाया गया और उसका उपचार जो जिला अस्पताल उधमपुर में इस समय चल रहा है। तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे हैं। ये देखिए पुलिस की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। संगूर चौक की बात करें तो रेलवे स्टेशन को जाने का ये रास्ता है और वहीं पर इस चालक को जिला अस्पताल उधमपुर लाया गया। एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। और अगर बात करें तो 4 सवारियां थी, जिस तरह से ये छोटी सी खाई में गिरा, झाड़ियों में गिरा, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब क्या कारण रहे, कैसे ये ऑटो ने अपना नियंत्रण खोया, अब इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल जो 4 सवारियां थी वो राजस्थान से थी। राजस्थान की सवारियां अपने घर जा रही थी, रेलवे स्टेशन जा रही थी, वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन रास्ते में ये हादसा हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो सवारियाँ हैं वो ठीक हैं और ये घायल है, उसका उपचार जिला अस्पताल उधमपुर में चल रहा है।